फेसबुक और यूट्यूब चैनल हंगरी ट्रैवलर। मैं हूं कराची के इलाके लियारी में। लियारी वैसे तो फुटबॉल के लिए मशहूर है, लेकिन आज मैं आया हूं बॉक्सिंग करनी है तो आ जाए। नई जगह खुल गई है, अली मोहम्मद कंबरानी बॉक्सिंग अरीना, वो भी ककरी ग्राउंड में, जिसका इफ्तिताह मुर्तज़ा वाब ने अभी कुछ लम्हे पहले किया है। तो तफसील के लिए पूरी वीडियो देखें, इस बॉक्सिंग को भी इंजॉय करें, और अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो भाई ककरी ग्राउंड आपने आना है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। खुशी हो रहा है, हम लड़कियों के पास आए मैच देखने, लड़के भी खेल रहे हैं, हम हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। कंकरी ग्राउंड बन रहा है, ग्रास हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। लियारी के अंदर ऐसे ही खुशी होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए, लाइट का मसला हल होना चाहिए, और बहुत खुशी हो रहा है देख के। अच्छा, बॉक्सिंग में कैसे लोग फुटबॉल की तरह बॉक्सिंग में भी दिलचस्पी लेते हैं लियारी के? मेरे ख्याल से इतना तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए, जैसे फुटबॉल के अंदर है, क्रिकेट के अंदर है। इफ्तिताह के बाद लोग दिलचस्पी लेंगे। हाँ, होंगे, अगर फेमस होंगे, कैमरा मीडिया आया हुआ, सबको पता चलेगा, तो इंशाल्लाह रश होगा, सब आएंगे इंशाल्लाह देखने। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लियारी में मौजूद है और लियारी के तारीखी राहत तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि ककरी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मौजूद है। ये वो तारीखी ग्राउंड है जिससे लियारी वालों की और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की खास वाबस्तगी है। ये वो तारीखी जगह है जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनदी भुट्टो और आतिफ अली जरदारी साहब शादी हुई थी, और ये तारीखी फुटबॉल ग्राउंड लियारी एक तारीखी जगह है जिसे खेलों के हवाले से जाना जाता है। तो जो रिश्ता शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लियारी के साथ था, जो रिश्ता शहीद मोहतरमा बेनदी भुट्टो का लियारी के साथ था, लियारी वालों के साथ था, उसी रिश्ते को और लोग आते हैं ऐलान करने के लिए, वादे करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पाकिस्तान के कारकुनान आते हैं वादों की तकमील के लिए, वादों का वफा करने के लिए। और आज मैं तकरीर रहा हूँ कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब का एक ख्वाब था कि जिस तरह दुनिया भर में वो लोग जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, खेलों से इश्क करते हैं, उनके लिए बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्टिंग फैसिलिटी होती हैं, उसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने ये ऐलान किया था, ये वादा किया था लियारी वालों से कि हम तकरी ग्राउंड को भी एक मॉडर्न बुनियादों पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ एक स्पोर्टिंग स्टेडियम में तब्दील करेंगे। और ये सिर्फ ऐलान नहीं था, कागजों पर ऐलान नहीं था।